हम नाइन्थ क्लास की SST चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और कल हमने आपको डेमोक्रेसी का बताया कि वाई डेमोक्रेसी वी नीड अस, कि हमें डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमने ये भी देखा कि आज वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बहुत नीड है, और वर्ल्ड में ऐसे कई देश हैं जहां आज तक डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें, इसको डिफाइन करें, तो अब्राहम लिंकन को हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का ही शासन होता है। आज हम पढ़ रहे हैं ए सिंपल डेफिनेशंस, कि डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशंस क्या होती है। रीडिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना आप और समझना। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमोंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक ऑन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेटिक इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज ए फोरम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसा फोरम है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसा फोरम है जिसमें अगर हम बात करें कि जो रूल्स बनाती है, जो नियम बनाती है, कायदे कानून बनाती है, वो जनता के हित में होता है और जनता के हित में संचालन करती है। लेकिन जो ये गवर्नमेंट होती है चूजन बाय पीपल, यानी जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार होती है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। दिस इज एन यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउड अस टू द सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फोरम्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। द आर्मी रूल्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दस हु हैपेंड टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकॉज द रूल्स ऑफ द कंट्री पीपल हैड नो से इन द डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक प्योनचैक आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज ऑल्सो अपील्स टू मोनार्चीज। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। देखो यहाँ इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, भाई जी 9:30 बजे बाद, कि हमारे देश में या फिर हम वर्ल्ड के कई देश में ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, चूजन बाय पीपल्स, और जनता के द्वारा वो कार्य करती हैं। अच्छा कार्य करती हैं तो दोबारा जनता उनको चुन लेती है, और जनता को पसंद नहीं हो तो गवर्नमेंट को चेंज कर देती है। अब इसने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि वर्ल्ड में आज भी कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ की गवर्नमेंट जनता के द्वारा चूजन नहीं है, जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं है। जैसे अपने ईस्टर्न साइड में कंट्री है म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं हम, वहाँ पर जो आज गवर्नमेंट है, जो वहाँ पर आज शासन है, वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। वो गवर्नमेंट जो है वो, अगर हम बात करते हैं उस गवर्नमेंट की, तो वो वहाँ सोल्जर सैनिक जो कह सकते हैं हम, आर्मी की वहाँ पे गवर्नेंस चल रही है, आर्मी के अकॉर्डिंग उस देश का शासन चलता है। और अगर वो हम बात करें कि जो जनता का हित है, जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो म्यांमार में नहीं है। दूसरे आज भी वर्ल्ड में कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर जनता के द्वारा गवर्नमेंट नहीं चुनी जाती। कहीं पर तो जो रूल्ड होता है वो आर्मी के द्वारा होता है,
कहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो रूल होता है वो राजा के द्वारा, वहाँ किंग होता है यानी राजा जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, नाम सुना होगा आपने सऊदी अरेबिया का, अपने एशिया कॉन्टिनेंट्स में वेस्ट साइड एक कंट्री है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। वहाँ पर जो शासन है, वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रॉयल फैमिली चला रही है, यानी जो वहाँ का किंग है वो चलाएगा, और किंग के बाद फिर उसका बेटा। तो इट मीन्स चाहे किंग का सन, चाहे किंग का बेटा वो इतना अच्छा प्रशासक हो चाहे मत हो, इतना अच्छा शासक हो चाहे मत हो, लेकिन सरकार उसके हाथ में रहेगी। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है, अपन अगर उसकी बात करते हैं तो अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, अगर वेलफेयर का काम करती है, जनता के हित का काम करती है, तो वो गवर्नमेंट दोबारा भी आती है। हमने देखा है वर्तमान में अपनी जो गवर्नमेंट है, हमने दोबारा इसको अपनी गवर्नमेंट को चूज किया है। लेकिन ऐसी कंट्री जहाँ पर हम बात करें कि किंग ही शासन चला रहा है, आर्मी के द्वारा रूल्ड है, अभी पाकिस्तान में भी आर्मी का रूल कई बार लगा, अब नाउ डेज तो गवर्नमेंट काम कर रही है। तो कहने का अर्थ है कि आज भी वर्ल्ड के कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ डेमोक्रेटिक वे से शासन का संचालन नहीं हो रहा। आगे पढ़ रहे हम, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, इट्स रिमेन्स अस दैट डेमोक्रेटिक इज पीपल रूल, बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एंड अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड ऑफ calling almost every government that holds elected a democracy that would be very misleading as well as shall find out in chapter 3 every government is contemporary world want to be called a democracy even if it is not so that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be once we can do so by understanding even each word in this definition carefully and spelling out of the features of a democratic government। ये कह रहा है कि अगर हम बोलते हैं, अगर हम आज भी देखते हैं, आज भी वर्ल्ड में कई ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो हम चैप्टर 3 में ये कह रहा है कि हम अलग अलग गवर्नमेंट्स के प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को किस किस टाइप में हम पीपल उसको चूजन करता है।